नमस्कार दोस्तों, बीटू बिहार न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और एक बहुत बड़ी यहां पर एक गुंडागर्दी देखने को मिला। बैरियर जो वसूला जाता है उसके द्वारा यहां पर ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटकर इसको हत्या कर दिया गया है। जो अभी है बेगूसराय के हर हर महादेव चौक पर यहां पर ई रिक्शा चालकों द्वारा एक जाम लगाया गया है। यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसको रखकर है जाम किया गया है। सरकारी जो मुआवजा है उसका मांग किया जा रहा है। जो हत्यारा है जो इसको मारा है और उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी हो। और जो भी बैरियर वसूलते हैं वो अगर इस तरह की घटना देते हैं तो आपको सामने आना होगा और ई रिक्शा चालकों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बेगूसराय पर पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लगातार घटना होती है आमजनों को, गरीब लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाने और कुचलने के लिए ई रिक्शा चालकों हो या अन्य लोगों को भी मारा जाता है, पीटा जाता है, रंगदारी टैक्स वसूला जाता है। और इसी के अनुरूप यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्थिति, जो डेड बॉडी है उसका कहीं ना कहीं जो है 15 रुपये के बस जो है बैरियर लगता है उसको लेकर जो है इनको बेरहमी से पीटा और अंत में इतना मारा कि वो डेथ कर गए। और हमारे बीच बहुत सारे जो बजरंग चौक पर जो है ना रंगबाजी होता है बेजाब्ते, 15 रुपया के कारण जो इसको कालर पकड़ के देना चालू कर देता है। कहाँ का नियम बना हुआ है, कौन प्रशासन का नियम बना हुआ है? बाईपास में जो है बैरियर वाला जबरदस्ती ई रिक्शा से पैसा वसूलता है और मारपीट भी करता है, गाली गलौज करता है। अगर किसी रिक्शा वाला जा रहा संजोग के पास पैसा न है तो उसको मारपीट करने लगता है। ये हालात है, जबरदस्ती कर रहा है, रंगबाजी ये बहुत ज्यादा रंगबाजी है। ये सरकार और ये खराब है, ये सरकार नीति बहुत खराब किया है। ये डीएम साहब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के जो ये नियम बना है ये सरासरी गलत किए हैं, हाजिर किया जाए। और क्या मांग करते हैं मुआवजा के तौर पर? मांग जो करते हैं, इनके 5 लड़की है, अलग जो मरा है इनके 5 लड़की है सामने में है। और इनका आप इनको कोई कमाने वाला नहीं है, इनका क्या होगा, इनको कौन खाने देगा, ये आपके सामने में बात है। देखिए क्या मांग करते हैं सरकार, मांग करते हैं वो लड़की का कुछ, सरकार जो है कुछ उसका उसको नौकरी चाहिए लड़की को, और लड़की को नौकरी सरकार दे दे, उसका बाप मर गया रिक्शा चालक। डीएम साहब को पहले यहाँ बुलाइए, डीएम साहब यहाँ आएंगे उसके बाद संशोधन होगा, ऐसे संशोधन नहीं होगा। बिना डीएम साहब का आदेश हुए, बिना डीएम साहब का आए हुए कोई संशोधन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जो भी लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर डीएम साहब आएंगे, एसपी साहब आएंगे और जब तक नहीं आएंगे हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इनके परिवार में काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 बेटी है और 1 बेटा है, तो काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनका है कि भरण पोषण कौन करेगा, इसको लेकर है ई रिक्शा चालकों की बहुत बड़ी यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर दर्शकों को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, जो मृतक का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ, आप यहाँ पर जो बच्चे का मृतक का जो बच्चे हैं जो 5 लड़की है और आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा बच्चा है। अगर ये जो एकमात्र जो कमाने वाला जो हर में एक ही कमाने वाला जो व्यक्ति था वो संजय सोनी, उनके पास 6 जो परिवार चलता है उसी के द्वारा चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5-6 बच्चे हैं उनके ऊपर सर से उसका पापा का जो साया है उसका साया खत्म हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि जो ई रिक्शा चालकों के द्वारा जो है नारे लगाया जा रहा है और मुआवजा की मांग किया जा रहा है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है जिस तरह से बेगूसराय की आपराधिक ढंग से जो बैरियर वसूला जाता है कहीं ना कहीं ये पूरा एक शर्मसार करने वाली है बेगूसराय को। और जो इस तरह की जो घटना देती है ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो ताकि आम लोगों को, गरीब लोगों को आपके ऊपर विश्वास बना रहे। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द स्टैंड बस स्टैंड के अंदर दुकान खोला है, बस स्टैंड में रोड पे बैरियर वसूलते हैं गाड़ी वाले से। बैरियर वसूलने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं तय किया गया, नहीं कोई तय नहीं किया गया है। ये एक आप समझ सकते हैं बैरियर के नाम पर एक गुंडागर्दी है जो यहाँ पर उतारू है, जो इस तरह की जो बैरियर वसूलते हैं ऐसे लोग है। एक मिनट
ऐसे लोगों को बैरियर नहीं दें, क्योंकि आपके साथ जो गुंडागर्दी करता है आप उसको बिल्कुल आप जिस जगह पर अगर तय किया गया है बैरियर उसी जगह पर आप बैरियर दें, और अन्यथा किसी रास्ते के ऊपर आपसे पैसा वसूला जाता है तो आप बिल्कुल नहीं दें। वसूली बाघा में, अवैध वसूली राजौरा में, ये सब बैरियर का टेंडर नहीं, वहाँ अवैध वसूली होता है बाघा गुमटी पे। बोलिए ईडीएम कहाँ है गुमटी के पास? बाघा में रेलवे गुमटी के नीचे बैरियर अवैध वसूली होता है, वहाँ बैरियर नहीं मिलता, 10 रुपया पट्टी पे लेता है। बोलिए कहाँ पर ये किस जगह वसूली? बाघा रेलवे गुमटी के नीचे रेलवे गुमटी पार करते हैं उसी सामने राजौरा में भी 10 रुपया लेता। अगर आप नहीं देते हैं तो क्या कहते हैं? मारपीट करता है, बोलता मार देंगे बहन को, गोली दिखाता है, पिस्तौल दिखाता है, गाली गलौज की किया पूरा 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 रंगमारी, बोलता रंगमारी नहीं तो भी मार दो, जबर दीजिएगा तो मारेगा, ऐसे जैसे मार दिया जबरदस्ती। हाँ नहीं लाना चाहिए बैरियर जिला पे, उसरा जिला में बैरियर बंद होना चाहिए, जिला में बैरियर बंद होना चाहिए, बैरियर बंद हो जाएगा तो गिरेगा 15-15 तक के हाथ में, बैरियर बंद होना चाहिए, बैरियर बंद होना चाहिए, कानून करवाई कीजिए, कानून करवाई कीजिए सर। अब